सो दिस इज रिव्यू वन और ये यूनिट वन से लेके यूनिट फोर तक जो भी यूनिट्स हैं उनका रिव्यू है, ठीक है। अब उन यूनिट्स के अंदर से हम उनकी कॉम्प्रिहेंशन को भी देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी होंगे यूनिट वन से लेके यूनिट फोर तक, ठीक है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, राइटिंग स्किल्स होंगे, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे। तो ये सारे स्किल्स जो है ना वो हमारे यूनिट वन से लेके यूनिट फोर तक जो है वो इसमें इंक्लूडेड होंगे इस पूरे एक्सरसाइज में। तो रिव्यू वन की जो फर्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है वो है कॉम्प्रिहेंशन। इस कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज में आपके फर्स्ट फोर यूनिट्स के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूडेड हैं। तो इनके आंसर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन रिविजन के लिए जल्दी जल्दी हम इनके आंसर्स जो है वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जेल आस्क्ड हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो फ्रॉम हजरत असमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो जब अबू जेल ने हजरत असमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पूछा तो क्या हुआ, तो इसका आंसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। हजरत असमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैंडल्ड द सिचुएशन विद विजडम, शी डिडंट मेक एनी स्टेटमेंट दैट वुड गिव एनी क्लू टू अबू जेल, शी पुट अ काउंटर क्वेश्चन इंस्टेड। अबू जेल गॉट फ्यूरियस एंड ही स्लैप्ड हजरत असमाज फेस बट शी रिमेंड स्टेडफास्ट। तो ये इसका आंसर है। तो हजरत असमा ने तमाम सिचुएशन को बड़ी अकलमंदी से हैंडल किया, ठीक है, उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया जिससे अबू जेल को कोई हिंट मिल सके, क्लू मिल सके, ठीक है। और हजरत असमा ने एक काउंटर क्वेश्चन किया, यानी क्वेश्चन के जवाब में क्वेश्चन किया, तो जिससे अबू जेल जो है बहुत ज़्यादा गजबनाक हो गया, गुस्से हो गया, और उसने हजरत असमा को जो है वो थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी वो क्या रही जो है वो सब्र के साथ उन्होंने काम लिया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोज द जेनेरोसिटी ऑफ हजरत असमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो ये यूनिट फोर का क्वेश्चन है। तो कौन सा वाक्य ऐसा है जिससे हजरत असमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सखावत के बारे में, जेनेरोसिटी के बारे में हमें पता चलता है। So the answer to this question is, Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ sold her inherited garden and gave away all the money to the needy and the poor. Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وراثت میں ملا ہوا باغ تھا اس کو بھی بیچ دیا اور تمام جو پیسہ ہے وہ ضرورت مندوں اور غریبوں کو دے دیا. Question number 3, what message do you get from the life of Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ? So the answer is, Hazrat Asma's life is a role model for us. We get the message of honesty, truthfulness, piety and wisdom from her life. We should face the problems with patience and courage. So Hazrat Asma ki jo zindagi hai wo hamare liye ek role model hai, namuna hai, aur hame diyanatdari, sachchai, taqwa aur aqalmandi ka sabak milta hai aapke life se, theek hai। और हमें यह सबक मिलता है कि हमें ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनका सब्र से और बहादुरी से सामना करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, तो पहली वही क्या थी। तो ये यूनिट वन से लिए गया ये क्वेश्चन, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, रीड इन द नेम ऑफ दाय लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड। Read and thy Lord is most bountiful, who taught the use of the pen, taught man that which he knew not. So this is the first revelation. Question number 5, what is the most important function that media performs? So media ka sabse important kaam kya hai, ye unit number 3 se liye gaya hai। And the answer is, media raises
awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. तो मीडिया बहुत सारे जो समाजी मसाइल हैं उनके बारे में आगाही जो है वो पैदा करता है, जिस तरह के उन मसाइल में क्या क्या मसाइल हैं, जिस तरह के करप्शन है, बदनवानी, टेररिज्म है, दहशतगर्दी जिसे आप कहते हैं, ड्रग एडिक्शन है, ठीक है, यानी नशा है, एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंसानी जो हकूक हैं उनकी पामाली है. तो ये क्या हैं, कुछ सोशल इश्यूज हैं जिनके बारे में मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करता है. नंबर सिक्स, व्हाट हैपेंस व्हेन मीडिया इज अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड. तो जब मीडिया जब अपना किरदार जब अदा करता है और अनचेक्ड होता है, यानी मीडिया को चेक किए बगैर उसके रोल की अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है. सो व्हेन अनचेक्ड मीडिया कैन स्प्रेड फॉल्स न्यूज. तो जब अनचेक्ड होता है, मीडिया पे चेक नहीं होता, तो ये झूठी खबर भी फैला सकता है. ओवर एक्सपोजर टू मीडिया मे कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स. और जब आप मीडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं तो उससे सेहत के मसाइल भी होते हैं. अब जब मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया में हमने इसको यूनिट 3 में डिटेल से भी पढ़ा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट मीडिया सो वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. ठीक है, तो प्रिंट मीडिया में आपके न्यूज़पेपर्स वगैरह आ जाते हैं, मैगजीन्स आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपके टीवी जो चैनल्स हैं वो सारे आ जाते हैं. ठीक है, तो चाहे मीडिया जिस फॉर्म में भी है, लाइक टीवी है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होंगे इन चीज़ों के साथ तो इससे काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं. चिल्ड्रन मे लर्न वायलेंस बाय वॉचिंग सम मूवीज एंड टीवी प्रोग्राम्स. कुछ मूवीज़ और टीवी प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिसमें वायलेंस दिखाया जाता है, और जो बच्चे हैं तो उससे वो वायलेंस जो है वो लर्न कर सकते हैं. तो इस चीज़ का एक्सपोजर उनके लिए हार्मफुल होता है. नंबर 7, फॉर विच एबिलिटी वर द अरब्स फेमस. तो ये यूनिट 1 से लिए गए क्वेश्चन. तो अरब जो हैं वो अपनी किस काबिलियत की वजह से मशहूर थे. द अरब्स वर फेमस फॉर देयर रिमार्केबल मेमोरी एंड एलोकेंस. तो जो अरब लोग थे वो अपनी ज़बरदस्त याददाश्त की वजह से, जहानत की वजह से, और अपनी फ्लुएंसी की वजह से, यानी अपनी जो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा वो फ्लुएंट थे. नंबर 8, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियॉट. तो एक पेट्रियॉट जो होता है, मुहब्बे वतन जो होता है, मुल्क से मोहब्बत करने वाला जो शख्स होता है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं. तो ये भी हम यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं पेट्रियाटिज़म में. ठीक है, एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज A patriot loves his or her country and is always willing to sacrifice. तो मोहब्बे वतन जो होता है वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है. A patriot doesn't compromise the sovereignty, integrity and honor of the country. तो मोहब्बे वतन कभी भी अपने मुल्क की सलामती पर और वकार पर जो है वो समझौता नहीं करता. तो ये कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस के आंसर्स थे जो कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक जो है वो इन यूनिट्स में से लिए गए. नाउ वी कम टू वोकैबुलरी सेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज. और अगेन इस वोकैबुलरी एक्सरसाइज में भी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 के जो है वर्ड्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं. तो इन सारे वर्ड्स को हम उनके यूनिट्स में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. अब भी उनकी रिवीजन हो रही है, हम उस वोकैबुलरी को दोबारा से रिव्यू करेंगे इस एक्सरसाइज में. चूज द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है, उनके मीनिंग्स को आपने क्या करना है जो है वो फाइंड आउट करना है. ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग आपने चूज करना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. फर्स्ट, इट वॉज सो डेलीकेट अ सिचुएशन. तो डेलीकेट, तो डेलीकेट के मीनिंग्स आपने बताने हैं या सिनोनिम्स बताने. डिफिकल्ट, ईजी, सेंसिटिव, फ्रेजाइल. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये किया था, तो डेलीकेट का यहाँ मतलब होगा सेंसिटिव. एंड द सेकेंड इज शी रिमेंड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट. तो स्टेडफास्ट जो वर्ड है इसके मीनिंग्स क्या होंगे,
firm and resolute, patient, ready to face, prepared for the worst. ये भी प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं. तो स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है जी? फर्म एंड रेजोल्यूट, डिटरमिंड, पुख्ता इरादा होना, ठीक है, पुख्ता यकीन होना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन या स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. नंबर थ्री, विंडिक्टिव. विंडिक्टिव मीन्स व्हाट? विंडिक्टिव का मतलब क्या होगा जी? डेडिकेट, रिवेंजफुल, एक्सपेरिमेंट, टेक्स्ट. जब आजकल देखें आपको जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, आप उनके कुछ क्लूज होते हैं जिन्हें आप कंटेक्सुअल क्लूज कहते हैं, वो रीडिंग के दौरान भी आप यूज करते हैं. यहाँ पे भी देखें कुछ क्लूज आपको मिल रहे हैं. विंडिक्टिव जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे हमने इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ, तो यहाँ पे भी हमने देखने के कौन सा एडजेक्टिव है यहाँ. तो डेडिकेट एक वर्ब है, रिवेंजफुल एडजेक्टिव है, एक्सपेरिमेंट नाउन है, और टेक्स्ट क्या है, ये नाउन है. तो विंडिक्टिव का मतलब होता है रिवेंजफुल. जब कोई शख्स ऐसा होता है कि वो कभी किसी दूसरे को माफ नहीं करता, फॉरगिव नहीं करता, तो उसको हम क्या कहते हैं? विंडिक्टिव कहते हैं, रिवेंजफुल. नंबर फोर, एस्टोनिश. एस्टोनिश मींस मेक, मिक्स, सेपरेट, सरप्राइज. तो क्या मतलब होगा जी एस्टोनिश का? आप पहले पढ़ चुके हैं. एस्टोनिश मींस सरप्राइज. नंबर फाइव, द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप. गियर्ड अप मीनिंग्स क्या होंगे? रेडी, साइलेंट, मोटिवेटेड, कीन. ठीक है, तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे, साइलेंट खामोश होंगे, मोटिवेटेड बड़े जोशीले होंगे, ठीक है, और कीन का मतलब है कि काफी वो भी शौकीन होंगे, काफी उनको शौक होगा किसी चीज का. तो इसमें क्या आपका मतलब होना चाहिए गियर्ड अप का? तो होगा रेडी. तो द स्टूडेंट्स आर ऑल रेडी. नंबर सिक्स, देयर एलोकेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री. फर्स्ट यूनिट से लिया गया है. एलोकेंस का मतलब क्या होता है जी? फ्लुएंसी. जब कोई जो है वो लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होता है तो हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एलोक्वेंट है. तो एलोक्वेंस नाउन है जिसका मतलब है फ्लुएंसी. नंबर सेवन, डिवोशन. डिवोशन मीन्स व्हाट? लॉयल्टी, ग्लैमरस, इजी टू नो, डिफिकल्ट टू नो. एंड द मीनिंग ऑफ डिवोशन इज, एज यू ऑलरेडी स्टडीड, लॉयल्टी. सो लॉयल्टी, डिवोशन मीन्स लॉयल्टी. Now we move on to the grammar part of the exercise. Grammar. Question A है, choose the correct options. Valor is a or an material noun, countable noun, abstract noun, uncountable noun. तो ये noun है valor. Previous lecture में हम पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है extreme courage, बहादुरी. तो ये कैसा noun है तो आपने बताना है. तो वैसे तो ये अनकाउंटेबल नाउन भी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे जो इसमें कॉन्टेक्स्ट में जो वो सूटेबल ऑप्शन होगा वो है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो वेलर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नंबर टू, सम आर बॉर्न ग्रेट. द अंडरलाइंड वर्ड इज व्हाट? प्रोनाउन बताना है. तो सम कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट ऑप्शन है जी पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन आपको पता है कि ये होता है जी जिसमें पोजेशन जाहिर किया जाता है, ऐसा प्रोनाउन जो कि मिल्कियत के लिए, ओनरशिप के लिए यूज होता है. जिस तरह के माय, माइन, हिज, हर, देयर, ठीक है, आर. तो ये सारे पोजेसिव प्रोनाउन्स होते हैं. तो ये पोजेसिव प्रोनाउन तो नहीं है. नेक्स्ट है जी इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन्स होते हैं कि जो किसी ऐसे नाउन की तरफ इशारा करते हैं जो कि फिक्स नहीं होता, नोन नहीं होता, किसी अननोन नाउन की तरफ इशारा करते हैं. जिस तरह कि उनका जो सब्जेक्ट है वो अननोन होता है, जिस तरह एनीबॉडी, समबडी, ठीक है, एवरीवन. तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन्स होते हैं. नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स क्या होते हैं? लाइक माई सेल्फ, यूर सेल्फ, आवर सेल्फ, देयर सेल्फ,
है जी पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन जो के पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है, वो पर्सनल प्रोनाउन्स होते हैं, ही शी इट, ठीक है, तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन्स हैं, आई मी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन्स हैं। तो इसमें फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सम जो है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी ये ऐसे सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है जो कि जिसका हमें पता नहीं है। नंबर थ्री, माई मदर विल बी डैश इफ आई गेट होम लेट। तो यहाँ पे जो भी वर्ड यूज होगा वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होगा। तो अब देखिए एक ही वर्ड दिया हुआ है लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं। फर्स्ट में है एंजाइटी जो कि नाउन है, सेकंड में है एंग्शियस एडवर्ब है, एंग्जाइटीज ये उसी नाउन का प्लूरल है, और फिर डी पे है एंग्शियसली जो कि एडवर्ब है। तो यहाँ पे इसकी करेक्ट फॉर्म कौन सी होगी, एंग्शियस, माई मदर विल बी एंग्शियस इफ आई गेट होम लेट। तो अगर मैं घर लेट जाता हूँ तो मेरी वालदा जो है वो फिक्रमंद होंगी। नंबर फोर, साकेब इज लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। तो देखें फ्राइडे से पहले कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आपने बताना है, तो ऑन एट बाय फ्रॉम, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे सूटेबल है। तो आपको पता है कि जो डेज ऑफ द वीक होते हैं उनसे पहले क्या आता है, ऑन आता है, तो ऑन, साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून। नंबर फाइव, वी आर स्टडीइंग डैश इंग्लिश, इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इससे पहले क्या आएगा, क्या कोई आर्टिकल आएगा, एंड नन ऑफ दिस, तो इंग्लिश से पहले कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा, तो नन ऑफ दिस, ठीक है, आ नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, और द अगर हम यहाँ पे लगा दें तो फिर द इंग्लिश का मतलब क्या होगा कि इंग्लिश लोग जो हैं, ठीक है, द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश लोग, तो यहाँ पे डेफिनेटली वी आर स्टडीइंग इंग्लिश, तो इंग्लिश से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नंबर सिक्स, हाउ कोल्ड द नाइट इज, दिस इज अ स्लैश एंड सेंटेंस। तो कैसा सेंटेंस है जी, सेंटेंस की टाइप बतानी है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, या इंपेरेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस तो आपको पता है कोई एक डिस्क्रिप्टिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें आपकी कोई सडन फीलिंग्स जो हैं वो का इजहार होगा, और इंपेरेटिव में क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई एडवाइस या ऑर्डर या सजेशन दी जाती है। हाउ कोल्ड द नाइट इज, और एंड पे देखें एक्सक्लेमेशन मार्क डाला हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर सेवन, आई डैश यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक, आई हैड गिवन गिव विल गिव गिव्स। तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे जो सूटेबल है वो होगा विल गिव, आई विल गिव यू राइड माई बाइक इफ यू लाइक, और ये आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस भी है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। नंबर एट, यू डैश बी पंक्चुअल। यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ये बेसिकली मॉडल वर्ब्स हैं, तो मॉडल वर्ब्स आप पढ़ चुके हैं यूनिट थ्री में भी, तो मॉडल वर्ब्स आपने कोई लगाने हैं, ऑट टू शुड मस्ट वुड। तो यहाँ पे देखें एडवाइस आपको दी जा रही है कि यू डैश बी पंक्चुअल, आपको पंक्चुअल होना चाहिए, तो एडवाइस के लिए हम शुड भी यूज करते हैं, ऑट टू भी यूज करते हैं, ठीक है ना, और ऑट टू और शुड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑट टू तब हम यूज करते हैं कि जब हम किसी यानी ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं, यानी जब कोई अखलाकी फर्ज और ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो उसके लिए ऑट टू होगा, और अगर यानी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है ऑब्लिगेशन की तरफ तो फिर ऑट टू होगा, अदरवाइज शुड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यू शुड बी पंक्चुअल, शुड यहाँ पे सूटेबल होगा, ऑट टू भी हो सकता है, लेकिन शुड भी हो सकता है, ऑट टू भी हो सकता है। नंबर नाइन, द बॉय लाफ्स लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज व्हाट, वर्ब बताना है कौन सा वर्ब है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है कि जिसमें उसका कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता,
वो आपका काम होता है एक्शन को जाहिर करना, और एक्शन जिस चीज पर हो रहा होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस पे एक्शन डायरेक्टली हो रहा हो, अगर वो प्रेजेंट हो सेंटेंस में तो ऐसा वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो तो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो यूजली डी या ई डी लगाने से बन जाते हैं। तो लाफ आपको पता है कि इसका पास्ट क्या होता है, लाफ्ट, लाफ्ट, तो ये क्या हो गया, एक रेगुलर वर्ब है, ये एक रेगुलर वर्ब है, ये यहाँ ज्यादा सॉर्ट करता है। नंबर 10, ओपन द विंडो, द पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट, ओपन द विंडो, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस आपने बनानी है। तो अब देखिए ये कैसा सेंटेंस है, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो उससे पहले हम लेट का यूज करते हैं, ओपन द विंडो, तो उसकी पैसिव वॉइस क्या होगी, लेट द विंडो, और फिर बी आएगा, और पैसिव वॉइस में आपको पता है कि वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो ओपनड, तो लेट द विंडो बी ओपनड, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लेट द विंडो बी ओपनड। अच्छा, फिर रिव्यू वन में जो ये जो एक्सरसाइज है उसमें आ जाता है जी राइटिंग स्किल सेक्शन, तो राइटिंग जो टास्क आ जाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी सोशल टॉपिक, ठीक है, तो किसी भी सोशल टॉपिक पे, इश्यू पे आपने कोई पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ में आपका क्लियर होना चाहिए टॉपिक सेंटेंस, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए, आपने उसमें क्या यूज करना है जी, यूज अप्रोप्रिएट प्रोनाउन एंटेसिडेंट रिलेशनशिप एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस, तो प्रोनाउन एंटेसिडेंट रिलेशनशिप आपने यहाँ पे अच्छे यूज करना है। जब भी कोई प्रोनाउन किसी नाउन की जगह यूज होता है तो नाउन का और प्रोनाउन का जो रिलेशनशिप होता है इसे हम प्रोनाउन एंटेसिडेंट रिलेशनशिप कहते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के ऊपर भी मिल जाएगा अभी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। और फिर है ट्रांजिशनल डिवाइसेस, तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस बेसिकली ऐसे फ्रेजेस या वर्ड्स होते हैं कि जब आप किसी एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाते हैं, या एक थॉट से दूसरे थॉट में शिफ्ट करते हैं, या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में शिफ्ट करते हैं, तो उनको ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स या फ्रेजेस यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस। तो बेसिकली ट्रांजिशनल डिवाइसेस का काम क्या होता है कि आपकी राइटिंग में एक फ्लो क्रिएट करना, ताकि आपकी राइटिंग में हर एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ दूसरे सेंटेंस या पैराग्राफ के साथ रिलेटेड हो, एक रिलेशनशिप हो, कोहेरेंस उनमें हो। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आपको पता है कि क्या होती हैं, किस तरह के वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल हो सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, ठीक है, सिमिलरली, एडिशनली, मोर ओवर, तो ये सारे ऐसे वर्ड्स के हैं, वर्ड्स या फ्रेजेस जो हैं ये ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ऑर्डर ऑफ अरेंजिंग डिटेल्स, तो आपने लिखते हुए जनरल टू स्पेसिफिक डिटेल्स देनी है, सीक्वेंस पे वो अरेंज होना चाहिए। अब मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और उसमें प्रोनाउन एंटेसिडेंट रिलेशनशिप कैसे दिए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कैसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज किया है वो हम देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप खुद किसी भी टॉपिक पे, किसी भी इशू पे पैराग्राफ लिख सकते हैं, आपने अपने तौर पर उसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए आपको मैं पैराग्राफ जो वो दिखा देता हूं। तो ये पैराग्राफ है, और इसमें मैंने जो इशू है, सोशल इशू है, वो जो लिया है वो है पोल्यूशन, ठीक है, सो दिस इज अ पैराग्राफ अबाउट पोल्यूशन। सो पोल्यूशन अ सीरियस ग्लोबल इशू सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स द हेल्थ ऑफ और प्लैनेट एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। ये पोल्यूशन जो है एक बहुत ही संजीदा दुनिया का मसला है, ये हमारा जो सियारा है उसको, ज़मीन को, और उसके जो रहने वाले हैं, इनहेबिटेंट्स हैं, उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। देखिए इस सेंटेंस में, ये हमारे पैराग्राफ का ओपनिंग सेंटेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें इट्स यहाँ पे एक प्रोनाउन है, और ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, प्लैनेट, आर प्लैनेट, अर्थ की तरफ, तो ये देखिए ये एक प्रोनाउन और एंटेसिडेंट रिलेशनशिप है, इट्स यहाँ पे प्रोनाउन है और प्लैनेट क्या है,
यहाँ पे क्या है जी, एंटीसीडेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, टू बिगिन विद द एक्सेसिव रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू द एयर वाटर एंड सॉइल हैज टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एनवायरमेंट। तो आप देखें, आप जब भी अपने पैराग्राफ में को स्टार्ट करते हैं तो आप ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस लिख सकते हैं, टू बिगिन विद। मैं अपनी राइटिंग को स्टार्ट करूंगा इस चीज से, तो ये एक ट्रांजिशनल डिवाइस है। टू बिगिन विद द एक्सेसिव रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स इन टू द एयर वाटर एंड सॉइल हैज टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, हवा में, पानी में और जमीन में जो भी आलूदगी पैदा करने वाली चीजें हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, उनका जो ज्यादा जो निकलना है, एक्सेसिव रिलीज है, वो क्या करता है माहौल पर, उसके बहुत ही बुरे असरात होते हैं, टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट्स, टेरेबल का मतलब खतरनाक, बैड। सो एयर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स लीड्स टू रेस्पिरेटरी इलनेसेस एंड कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज। अब जो आप देखें, डिफरेंट पोल्यूशन के डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं उनकी हम बात करते हैं, तो है जी एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होती है, तो सनतों से और गाड़ियों से निकलता हुआ जो धुआं है, ठीक है, उससे जो है वो सांस लेने की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और इससे जो माहौलियाती तब्दीली है वो भी आती है। एडिशनली यहाँ पे फिर हमने एक ट्रांजिशनल डिवाइस यूज की है, एडिशनली मजीद, वाटर पोल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल रन ऑफ एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कंटेमिनेट्स वाटर सोर्सेस। तो अब हमने वाटर पोल्यूशन की बात, कि जो भी वेस्ट डिस्पोज होता है इंडस्ट्री से, संतों से, कारखानों से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, जब वो डिस्पोज होता है पानी के अंदर आता है, तो वो ताज़ा पानी को भी क्या करता है, कंटेमिनेट कर देता है, उसको ख़राब कर देता है। मोर ओवर यहाँ पे फिर एक ट्रांजिशनल डिवाइस है, सॉइल पोल्यूशन। तो देखिए, हमने पहले एयर पोल्यूशन की बात की, फिर वाटर पोल्यूशन की, अब हम बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन अ रिजल्ट ऑफ हैजर्डस वेस्ट एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स कॉम्प्रोमाइजेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब जो ज़मीन की आलूदगी है, जो कि ख़तरनाक वेस्ट से आती है, और जो जो भी कीमियाई खादें होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनसे ये पैदा होती है, और इससे पैदावार भी कम हो जाती है। दीज इन्वायरमेंटल चेंजेस आर इंटरकनेक्टेड। तो ये जितनी भी माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं, इनका आपस में ताल्लुक है, इंटरकनेक्टेड है, एम्फसाइजिंग द अर्जेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस, जिससे इनके जो इस मसाइल का जो हल है उसकी अहमियत पर ये चीज़ें जोर डालती हैं, कि उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड एम्ब्रेसिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज आर क्रूशियल स्टेप्स इन एलिविएटिंग पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या है जी, सख्त फैसले लेने चाहिए, सख्त कवानीन बनाने चाहिए, और जो भी माहौल के लिए जो फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजीज हैं नई, उनको एम्ब्रेस करना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए, उनको लेके आना चाहिए। ठीक है, इन डूइंग सो वी कैन कलेक्टिवली स्ट्राइव टुवर्ड्स अ क्लीनर हेल्दियर प्लेनेट फॉर करंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। इन डूइंग सो, ये भी एक ट्रांजिशनल डिवाइस है, इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है वो मौजूदा लोगों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए भी क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि हम इस जो प्लेनेट को, ज़मीन को क्या बनाएं, साफ सुथरा और सेहतमंद जो है वो बनाएं। तो देखें, ये एक पैराग्राफ था, शॉर्ट पैराग्राफ था, जिसमें हमने ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ करते हुए और करेक्ट प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए किसी भी सोशल इशू या टॉपिक पे राइटिंग करनी थी, पैराग्राफ राइटिंग करनी थी। तो जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो पैराग्राफ में आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूज़ लाजमी करना है, चाहे आपको कहा हुआ है या नहीं भी कहा हुआ, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांजिशनल डिवाइसेस से आपके पैराग्राफ में एक फ्लो आएगा, तो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होंगी, एक कोहेरेंस जो है वो पैदा होगी पैराग्राफ में। अगर आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ नहीं करेंगे तो आपके जो राइटिंग में कोई एक जो है वो फ्लो नहीं होगा, एक रब्त नहीं होगा, ठीक है, एक जो है वो कनेक्शन जो है वो नहीं होगा, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी बातें आपने वहाँ पे की हैं, लिखी हैं, उनमें एक डिसकनेक्शन आ जाएगा। तो
ट्रांजिशनल डिवाइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट राइटिंग स्किल में सेकंड जो यहाँ पे एक्सरसाइज है वो क्या है, एक्सरसाइज बी, राइट एनी एक्सपोजिटरी कंपोजिशन, राइट एनी एक्सपोजिटरी कंपोजिशन showing comparison and contrast between things, events, situations, places, actions, ideas or problems. अब देखें, फिर हमने एक expository composition लिखनी है। अब यहाँ पे composition से मुराद क्या है कि essay है, ठीक है, आपने कोई एक essay लिखना है। वैसे तो composition जरूरी नहीं कि essay ही हो, कोई भी जो आप structured writing करते हैं English में, कोई भी चीज़ आप लिखते हैं एक proper structure में, वो कंपोजिशन होती है। तो ऐसे भी एक कंपोजिशन है, आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वो भी कंपोजिशन है, कोई भी चीज आप लिखते हैं वो कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन की आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि डिस्क्रिप्टिव कंपोजिशन होती है, ठीक है, उसके अलावा एक्सपोजिटरी कंपोजिशन होती है, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव कंपोजिशन होती है, नैरेटिव कंपोजिशन होती है। तो ये फोर बेसिक टाइप्स हैं कंपोजिशन। तो एक्सपोजिटरी कंपोजिशन जो होती है ये ऐसी कंपोजिशन होती है जो कि फैक्चुअल होती है, फैक्ट पर बेस्ड होती है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट सिनेरियोज में कंपैरिजन और कंट्रास्ट किया जाता है, दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, आपने उनको कंपेयर करना है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ दो में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरह की राइटिंग, फैक्ट बेस्ड जो राइटिंग जहाँ पर होगी वो क्या होगी, एक्सपोजिटरी कंपोजिशन होगी। तो यहाँ पे भी आप कोई ऐसे लिख सकते हैं जिसमें आप किसी चीज़ के जो दो डिफरेंट जो पहलू हैं, टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनकी बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टॉपिक लेते हैं यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स, देखिए यहाँ पे हम एक ही चीज़ के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यूज़ की और मिसयूज़ की, ठीक है। तो ये हमारी एक एक्सपोजिटरी राइटिंग हो जाएगी। तो अब देखें ये एक्सपोजिटरी जो कंपोजिशन है ये हमारी कैसे होगी। तो ये ऐसे अगेन, तो ये हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ओपनिंग पैराग्राफ जो है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ऐसे का, कि मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स, रिवोल्यूशनाइजिंग द वे वी कम्युनिकेट, वर्क एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन। जो मोबाइल फोन्स है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो सब बन चुके हैं, और हम जिस तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, आपस में बातचीत करते हैं आप, और काम करते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, ये सारे चीज़ों को इसने क्या कर दिया है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, इसमें एक इनकलाब आ चुका है, पूरी तरह चेंज करके रख दिया है। दीज पोर्टेबल डिवाइसेज हैव ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंजेस। ये जो पोर्टेबल डिवाइसेज हैं, यानी ये ऐसी डिवाइसेज हैं मोबाइल फ़ोन जो इजिली पोर्टेबल हैं, आप इनको कैरी करके कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियां भी इनकी वजह से आई हैं, बट देयर इंक्रीजिंग प्रीवेलेंस हैज़ आल्सो लेड टू वेरियस कंसर्न्स रिगार्डिंग देयर मिसयूज। लेकिन इनका जो मुसलसल जो इस्तेमाल है, आजकल जो मिसयूज़ है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल भी जो हैं वो पैदा हुए। तो ये देखिए हमारे एक्सपोजिटरी कंपोजिशन का या एक्सपोजिटरी एसे का ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था। और उसके बाद जो पैराग्राफ्स आएंगे वो इस एसे की क्या होगी, बॉडी होगा, ठीक है। एसे में हमेशा क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, और एंड पे कंक्लूजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, अभी हम कुछ इसके जो पॉजिटिव यूजेज हैं उनकी बात कर लेते हैं मोबाइल फोन्स की, और फिर नेगेटिव यूजेज या मिस यूजेज की बात करेंगे। द इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी ऑन मोबाइल फोन्स हैज फैसिलिटेटेड इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब मोबाइल फोन्स पे जो इंटरनेट की सहूलत है, इसने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन तक रसाई जो है उसमें आसानी पैदा कर दी। यूजर्स कैन स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट करेंट इवेंट्स, रिसर्च टॉपिक्स एंड एंगेज इन एजुकेशनल एक्टिविटीज ऑन द गो। अब यूज़र जो हैं वो चलते फिरते जो है वो क्या कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहती है, जो भी मौजूदा हालात होते हैं उनके बारे में, वो जो भी तालीमी सरगर्मियाँ हो रही होती हैं उनके बारे में, सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहती है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर वर्क रिलेटेड टास्क। मोबाइल फ़ोन जो है वो काम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। इट अलाउज प्रोफेशनल्स टू रिस्पॉन्ड टू ई मेल्स, एक्सेस डॉक्यूमेंट्स एंड पार्टिसिपेट इन वर्चुअल मीटिंग्स,
एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्क प्लेस। अब इससे जो प्रोफेशनल्स हैं तो वो क्या करते हैं, वो ईमेल्स का जवाब दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को वो देख सकते हैं, और आपस में वो एक जगह से बैठकर दूसरी जगह मीटिंग कर सकते हैं, जिन्हें आप वर्चुअल मीटिंग्स कहते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, ठीक है, और वर्क प्लेस फ्लेक्सिबल हो गई है। आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी कर सकते हैं, घर बैठकर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मोबाइल फ़ोन ने क्या किया है कि हमारे लाइव्स को क्या कर दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। नेक्स्ट, वन ऑफ द प्राइमरी कंसर्न्स एसोसिएटेड विद मोबाइल फोन मिसयूज इज एडिक्शन। अब हम मिसयूज की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि जो भी मिसयूज हैं, यूजेज हैं मोबाइल फोन का, उसमें से सबसे जो बड़ा है वो क्या है, एडिक्शन है, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन का यूज करते हैं, तो अक्सर लोगों को क्या हो जाती है, उसकी एडिक्शन हो जाती है। Excessive use, especially on social media platforms, can lead to a decline in productivity, disrupted sleep patterns, and adverse effects on the mental health. बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से क्या होता है, इंसान की जब सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं फ़ोन का, तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है, हम ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं, हमारे सोने का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इससे हमारी ज़हनी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। Inappropriate use of mobile phones such as texting or browsing while driving or during important meetings can lead to accidents and decreased attention to essential tasks. अक्सर क्या होता है, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं या ठीक है मीटिंग्स में होते हैं, और साथ में हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं, ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं उस पर हमारी तवज्जो जो है वो क्या हो जाती है, हट जाती है। So mobile phones often equipped with advanced cameras and sensors raise significant privacy concern. ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनमें अच्छे कैमराज होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उसमें प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है। Unauthorized access, hacking and the misuse of personal data have become common issues. जिससे क्या हो जाता है, अक्सर आपका जो फ़ोन है वो अक्सर अनऑथराइज्ड एक्सेस में चला जा सकता है, यानी वहाँ पर कोई इसको कोई दूसरा बंदा एक्सेस कर सकता है, हैक कर सकता है, आपके पर्सनल डेटा को वो मिसयूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि मोबाइल के मिसयूज के साथ जो है वो कंसर्न्ड हैं। अब हम आते हैं इस एक्सपोजिटरी कंपोजिशन या एक्सपोजिटरी जो एसे था उसके कंक्लूजन की तरफ। तो ये इसका कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है वो ये है, इन कंक्लूजन। तो अक्सर देखें ये क्या है, ये भी एक ट्रांजिशनल डिवाइस है, तो हम किस चीज़ को सम अप जब करते हैं, उसको कंक्लूड करते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, इन कंक्लूजन The use of mobile phones has undoubtedly transformed the way we live. के बगैर किसी शक के हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल ने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज करके रख दिया। Bringing about numerous positive changes in communication, productivity and entertainment. तो हमारे बातचीत में, ठीक है, काम करने की जो सलाहियत है उसमें, entertainment में बड़ी जो है बहुत ज़्यादा जो है मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा की। However, भी यहाँ पे देखें ट्रांजिशनल डिवाइस है, द मिस यूज ऑफ दीज डिवाइसेज पोजेस सीरियस चैलेंजेस। कहते हैं कि इन जो डिवाइसेज हैं, यानी जो मोबाइल फोन्स की बात कर रहे हैं, कि इनका जो मिस यूज है उससे बहुत ही खतरनाक अब इसके चैलेंजेस भी हैं, फ्रॉम एडिक्शन एंड डिस्ट्रक्शन टू प्राइवेसी कंसर्न्स। एडिक्शन से लेके डिस्ट्रक्शन है या प्राइवेसी के इश्यूज हैं, तो ये सारे इसके मिस यूज में आ जाते हैं। सो भी एक क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइस है। सो अ रिस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। सो अ रिस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स इज वेरी क्रूशियल। तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, बहुत आज अंदाज में हमने और बड़े वाजे जहन के साथ मुताअत अंदाज में हमने उनका इस्तेमाल करना है। सो दिस वाज अ क्विक एक्सपोजिटरी कंपोजिशन, ये एक्सपोजिटरी एसे जिसमें हमने हाईलाइट किया है जो टॉपिक था हमारा, वो है यूज इन मिस यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हर एक्सरसाइज में जो है वो टेस्ट होते हैं, हर एक्सरसाइज में इनकी बात होती है। तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स
मैं यहाँ पे इनका है कि सेलेक्ट एंड यूज अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर वेरियस फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि ये आपको टॉपिक्स दिए हुए जिन पर आपने कुछ यूजफुल एक्सप्रेशन जो हैं वो आपने आप दे सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन में उनको यूज कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर क्या क्या बातें कहनी है, क्या फ्रेजेस या वर्ड्स को आपने यूज करना है। आस्क एंड रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस ऑफ एकेडेमिक एंड सोशल नेचर। तो क्वेश्चंस को कैसे आपने आंसर करते हैं। आस्क एंड एक्सप्रेस प्रेफरेंसेस, इमोशंस, विशेज, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन, अप्रूवल डिसअप्रूवल, एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट पोलाइटली। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, आप उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, आप अग्री नहीं करते, तो पोलाइटली आप सिचुएशन को कैसे करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह एक्सप्रेस रिफ्यूजल पोलाइटली, किसी चीज़ से आपने रिफ्यूज़ करना है तो वो भी अच्छे अंदाज में शाइस्तगी के साथ आप कैसे रिफ्यूज़ करेंगे, क्या आपको कहना चाहिए। सीक एंड ऑफर अ पीस ऑफ एडवाइस, जब आपने किसी से एडवाइस लेनी है या किसी को एडवाइस देनी है तो वो आपको कैसे देना चाहिए। तो इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका कैसा होना चाहिए, क्या क्या फ्रेजेज या वर्ड्स आपको बोलने चाहिए। तो चलिए आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पे फ्रेजेज जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस में लिखे हुए हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं। तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स पे आ जाते हैं। तो फर्स्ट जो सिनेरियो है वो है जी एक्सप्रेसिंग सेटिस्फेक्शन। आपने जब सेटिस्फेक्शन का इजहार करना है, ठीक है, किसी चीज़ से जब आप सेटिस्फाइड होते हैं तो फिर आपने ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या आपके होने चाहिए, आपने क्या क्या बातें वहाँ पे करनी है। तो अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार करने के लिए आप क्या फ्रेजेज जो है वो बोल सकते हैं। तो सेटिस्फेक्शन का इजहार करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आई एम डिलाइटेड विद डॉट डॉट डॉट, यानी जो भी जिस चीज़ से भी डिलाइटेड है खुश है आप लिख सकते हैं। आई एम डिलाइटेड विद डैश, आई एम वेरी प्लीज्ड विद, आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद। आप कह सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्सेलेंट डैश, जो भी काम है जिससे आप सेटिस्फाइड हैं तो उसका नाम लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द एक्सेलेंट, आई एम इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वंडरफुल, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई अप्रिसिएशन। आप ये कह सकते हैं आई कुडेंट बी हैप्पियर, ये कह सकते हैं यू हैव एक्सीडेड माई एक्सपेक्टेशंस, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अपने सेटिस्फेक्शन का इजहार करने के लिए आप ये इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। फिर इस तरह जब आप डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करेंगे तो क्या फ्रेजेस आप बोल सकते हैं। सो आई वॉन्टेड टू ब्रिंग टू यू यूर अटेंशन, आई एम अफ्रेड देर वॉज एन इशू विद, आई एम नॉट इंटायरली सेटिस्फाइड, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, I encountered a problem. I believe there might be a misunderstanding. I appreciate your efforts, but I have some concerns. I wanted to let you know about an issue I encountered. I'm sure this wasn't intentional, but there seems to be a problem with. जब हम किसी को कहते हैं मुझे पता है ये काम आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, तो हम कह सकते हैं I'm sure this wasn't intentional. I was hoping for a better experience and I wanted to share my feedback. ठीक है, आप ये phrases बोल सकते हैं। Next we move on to expressing refusal politely. जब आप किसी चीज से refuse करेंगे, इनकार करेंगे, तो वो भी शायस्तगी के साथ आप कैसे करेंगे, तो क्या आप words या phrases बोल सकते हैं। I appreciate the opportunity, but I must respectfully decline. आप ये कह सकते हैं थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी, बट आई वोंट बी एबल टू प्रोसीड एट दिस टाइम, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम अनएबल टू एक्सेप्ट योर ऑफर और रिक्वेस्ट, आई हैव गिवन केयरफुल थॉट टू योर प्रपोजल एंड अनफॉर्चुनेटली आई वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट, आई एम ऑनर्ड बाय योर इन्विटेशन बट ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट्स I won't be able to attend. कहते हैं कि मुझे आपकी दावत से बड़ी इज्जत अफजाई हुई मेरी, लेकिन कुछ मैंने पहले कमिटमेंट्स की हुई जिनकी वजह से मैं नहीं आ सकता। I appreciate your understanding as I must decline your kind offer. While I value the opportunity, I have to decline due to other commitments.
ये कह सकते हैं आप। अब ये भी कह सकते हैं, आई एम अफ्रेड आई वॉन्ट बी एबल टू फुलफिल योर रिक्वेस्ट बट आई एम ग्रेटफुल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आई हैव कंसिडर्ड योर प्रपोजल बट आई मस्ट रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन एट दिस टाइम। ये कह सकते हैं, आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट इन इन्वॉल्विंग मी बट आई हैव टू डिक्लाइन ड्यू टू, जो भी रीजन से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह आप रिफ्यूज करते हुए भी बड़े पोलाइटली जो है वो आप ये सारे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप किसी चीज को रिफ्यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपका जो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत ज्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, कोशिश करें कि जब भी आप आपस में बात करें इंग्लिश में बात करें और बहुत ज्यादा पोलाइट वे में बात करें, फॉर्मल वे में बात करें। तो इस तरह हमारा रिव्यू वन जो है वो खत्म हो जाता है, यूनिट्स का रिव्यू वन, यूनिट वन टू फोर। ठीक है, फर्स्ट फोर यूनिट्स का की जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये हमारी कंप्लीट हो जाती है।